हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार। आज हम कुछ मैन वर्ब के बारे में जानेंगे। मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ, जैसे कि आना जाना, रोना, खाना पीना, चलना देखना, हंसना। तो आप इसे समझ चुके होंगे जो आपका आज टॉपिक है वो है मैन वर्ब। तो आज हम मैन वर्ब के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। और इसका इंग्लिश ग्रामर में यूज कहाँ पर होता है, यहाँ पर मैन वर्ब की मैं सीरीज लाया हूँ जिससे आपको बहुत सारी मैन वर्ब मिल जाएंगी। और इस वीडियो में मैं आपको 30+ वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको जैसे बताया कि रोना, गाना, हंसना, पढ़ना, रहना, उठना, बैठना, तो मैन वर्ब जो होती है उसमें लास्ट में ना का प्रयोग होता है। तो चलिए जानते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्ट्रॉन्ग मैन वर्ब, दूसरी होती है वीक मैन वर्ब। जो स्ट्रॉन्ग मैन वर्ब होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट होती है ग्रुप ए और सेकंड होती है ग्रुप बी। उसके बाद वीक मैन वर्ब जो होती है उसमें सेकंड ऑफ थर्ड फॉर्म को ईडी लगाकर बनाते हैं। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग मैन वर्ब में जो ग्रुप ए होता है उसमें सेकंड व थर्ड फॉर्म को वॉवल के बदलने से बनाते हैं। जो वॉवल सेकंड व थर्ड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म के वॉवल को बदलने से बनती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ग्रुप ए के मैन वर्ब के बारे में बताऊंगा। थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब ग्रुप ए, जो क्रिया होती है उसकी तीनों फॉर्म के बारे में आप यहाँ जानेंगे। जो ग्रुप ए होता है कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के वॉवल को बदलने से बनती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब का जो ग्रुप ए पहला है उसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म के वॉवल को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उससे आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको 30+ वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो उन 30+ वर्ब को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, उसका मीनिंग अर्थ क्या होता है, इसका जो वर्ब होती है उस वर्ब का अर्थ क्या होता है, उसकी पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्ट इसके मतलब परफेक्ट में पूरा हो चुका है, परफेक्ट में उसका पास्ट पार्टिकल क्या होता है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है। तो पहला है अवेक, अवेक मीन्स होता है जागना, अवेक मीन्स जागना। उसका ये फर्स्ट फॉर्म मतलब सेकंड जो फॉर्म होती है उसकी अवॉक होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है उसकी होती है अवॉकिंग या अवेक। अर्थात इसकी आईएनजी फॉर्म होती है अवेकिंग। आपको जो आईएनजी फॉर्म का यूज करना है वो आपको फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना है। जो प्रेजेंट की वर्ब होगी, मैन वर्ब जो पहली मैन वर्ब होगी उसमें ही आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, ना कि आपको सेकंड फॉर्म में ना ही थर्ड फॉर्म में। दूसरा है अवॉइड, मतलब रहना या ठहरना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी अवॉर्ड या अवॉइडेड, तथा थर्ड फॉर्म इसकी सेम होगी अवॉर्ड तथा अवॉइडेड। इसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी अवॉइडिंग। तीसरा है बीकम, बीकम मीन्स होता है होना। उसके बाद इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगा बीकेम और थर्ड फॉर्म होगी बीकम। तो बीकम, बीकेम, बीकम, और इसकी जो सर आईएनजी फॉर्म होगी वो होगा बीकमिंग। चौथा है बिगिन, बिगिन मतलब आरंभ करना, प्रारंभ करना, स्टार्ट करना किसी चीज को। तो उसका जो पास्ट फॉर्म है वो होगा बेगैन और जो पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म है वो होगी बिगन। इसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी इसकी बिगनिंग। पांचवा है बाइंड, बाइंड मतलब बांधना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो बाउंड होगा, थर्ड फॉर्म भी सेम होगी बाउंड, आईएनजी फॉर्म होगी बाइंडिंग। छठवां है बीहोल्ड मतलब देखना। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो होगी बी हेल्ड, तथा थर्ड फॉर्म भी सेम बी हेल्ड ही होगी। इसकी जो आईएनजी फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो बी होल्डिंग, इसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी बी होल्डिंग। सातवां है कम, कम मीन्स आना, और उसके बाद पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म जिसकी है वो होगी केम, थर्ड फॉर्म होगी कम, आईएनजी फॉर्म होगी कमिंग, तो कम केम कम कमिंग। आठवां है डिग मतलब खोदना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डग और थर्ड फॉर्म भी होती है डग। उसके बाद आपका जो आईएनजी फॉर्म होगा वो होगा डिगिंग, डी आई जी डबल जी, डी आई डबल जी आई एन जी, डिगिंग।
ड्रिंक माने पीना होता है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगा ड्रैंक, और जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी ड्रंक, और आईएनजी फॉर्म होगी ड्रिंकिंग। दसवां है फाइट, फाइट मीन्स लड़ना होता है, एफ आई जी एस टी, फाइट मीन्स लड़ना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी फॉट, थर्ड फॉर्म भी होगी फॉट, इसका जो आईएनजी फॉर्म होगा वो होगा फाइटिंग। इलेवेंथ है फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, सेकंड फॉर्म इसकी फाउंड होगी, थर्ड फॉर्म भी सेम फाउंड होगी, और जो इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट में लगाएंगे आईएन तो हो जाएगा फाइंडिंग। उसके बाद ट्वेल्थ है गेट, गेट मीन्स पाना, उसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी गॉट, उसकी थर्ड फॉर्म भी गॉट, और गेट में आईएनजी लगाएंगे तो गेटिंग, जी ई डबल टी आईएनजी गेटिंग, तो गेट गॉट गॉट गेटिंग। उसके बाद 13 है ग्रिंड, जी आर आई एंड ग्रिंड माने पीसना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी ग्राउंड, थर्ड फॉर्म भी होगी ग्राउंड, आईएनजी लगाएंगे आईएनजी फॉर्म के लिए तो ग्रिंडिंग, इसकी आईएनजी फॉर्म होगी ग्रिंडिंग। उसके बाद 14 है होल्ड, होल्ड माने पकड़ना, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होगी हेल्ड, थर्ड फॉर्म होगी हेल्ड, और जिसकी आईएनजी फॉर्म होगी वो होगा होल्डिंग। 15 है रिंग, रिंग माने बजाना, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होगी रैंग, थर्ड फॉर्म होगी रंग, इसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगा रिंगिंग। 16 है वो है रन, रन मीन दौड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी रैन, थर्ड फॉर्म होगी रन, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी। साइन मीन चमकना होता है, सोन आएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आएगी शॉन, सेम हो जाएगी, उसके बाद साइन में आई एन जी लगाएंगे साइनिंग हो जाएगा। 18 नंबर है सिट, सिट माने बैठना, सेकंड फॉर्म सेट, थर्ड फॉर्म भी सेम सेट, इसमें जो आई एन जी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सिटिंग, एस आई डबल टी आई एन जी। उसके 19 है स्पिन माने कातना, एस पी ए एन कॉमा एस पी यू एन, ये इसकी सेकंड फॉर्म होगी, तथा स्पन एस पी यू एन, ये भी इसकी थर्ड फॉर्म होगी, तो स्पेन स्पन इसकी सेकंड फॉर्म होगी तथा स्पन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, और स्पिन में आई एन जी लगाएंगे तो स्पिनिंग हो जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग माने कूदना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी स्प्रैंग, थर्ड फॉर्म होगी स्प्रंग, और इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी एस पी आर आई एन जी आई एन स्प्रिंगिंग। 21 स्टैंड मीन्स खड़ा होना, और उसके बाद आएगा स्टूड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी स्टूड, आई एन जी लगाएंगे तो स्टैंडिंग। 22 है सिंक, सिंक माने डूबना या डुबाना, सेकंड फॉर्म होगी सैंक, थर्ड फॉर्म होगी संक या संकिन, इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगा सिंकिंग। इसका 23 है स्टिक, स्टिक माने चिपकाना, सेकंड फॉर्म होगी स्टक, थर्ड फॉर्म भी होगी स्टक, और इसकी आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी स्टिकिंग। 24 है स्टिंग, डंक मारना, सेकंड फॉर्म जो इसकी होगी वो होगी स्टंग, और थर्ड फॉर्म भी सेम होगी स्टंग, उसके बाद स्टिंगिंग, इसका आई एन जी फॉर्म। जो 25 है स्ट्राइक मतलब मारना, सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रक, थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक होगी तथा स्ट्राइक है। इसके बाद जो इसकी आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी स्ट्राइकिंग। 26 है स्विम, स्विम माने तैरना, जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगा स्वयं, थर्ड फॉर्म होगी स्वयं, और इसकी जो आई एन जी फॉर्म है वो होगी स्विमिंग। 27 है श्रिंक, श्रिंक माने सिकुड़ना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी श्रैंक, श्रंक, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी वो होगी श्रंक, पंकिन। उसके बाद जो इसकी आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी श्रिंकिंग। इसके बाद 28 नंबर है वो है स्विंग, स्विंग माने झूलना, और इसकी सेकंड फॉर्म स्विंग, स्वंग, इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी स्वंग। उसके बाद जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगा श्विंगिंग। उसके बाद 29 नंबर है बिन, बिन माने होता है जीतना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी बॉन, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी वो भी होगी बॉन। उसके बाद इसका जो आई एन जी फॉर्म होगा वो होगा बिनिंग। उसके बाद बाइंड माने चाबी देना, तो बाइंड मीन्स होता है चाबी देना, तो इसका सेकंड फॉर्म होगा बाउंड, थर्ड फॉर्म भी बाउंड सेम होगा, और उसके बाद इसका जो आई एन जी फॉर्म होगा वो होगा बाइंडिंग। इसका 31 नंबर है रिंग, रिंग माने निचोड़ना या ऐठना, और इसका सेकंड फॉर्म होगा वो होगा रंग, और थर्ड फॉर्म भी होगा रंग। उसके बाद इसका जो आई एन जी फॉर्म होगा वो होगा रिंगिंग, डब्ल्यू आर आई एन जी आई एन जी। इसके अगली वीडियो में मैं आपको और भी मेंबर, जो स्ट्रॉन्ग मेंबर की ग्रुप बी से रिलेटेड होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अभी आपने ग्रुप ए की 31 मेंबर पढ़ी, जो इसकी जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म के वॉवेल को बदलने से बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद सेलम कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।